अब इस टेस्ट डिस्कशन में आपको अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए मैं पैरामाउंट आइस मिशन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, अब अपना ब्लेसिंग भी देना चाहता हूं टू गेट थ्रू इन योर मिशन। राइट, आज का जो डिस्कशन है वो इतिहास विषय से जो आपका समान अध्ययन का एक बहुत ही आवश्यक सेगमेंट है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास वो बेस्ट पेपर भी होगा जिस पर हमें आज डिस्कशन करना है। ठीक, लेकिन डिस्कशन करने से पहले I would like to clarify some positions. This session is not only meant to just get the answer of the various questions. This special session is organized to create an insight how to get the answer of the questions. इसका उद्देश्य केवल ये नहीं कि जो भी प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को हम बता दें और आपका सेस और आपका ये सेशन की समाप्ति की हम घोषणा करें। उसका उद्देश्य है किसी भी प्रश्न के लिए हमें कैसे जो है आंसर को प्राप्त करना चाहिए और कैसे उसके संदर्भ में हमें प्रयास करना चाहिए। आपने पेपर में देखा होगा किसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और कला एवं संस्कृति से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं दे आर वेरी फैक्चुअल जो कि बहुत ही तथ्य आधारित है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि तथ्य तो है बट देयर इज सम आइडियोलॉजी बिहाइंड द फैक्ट्स, उसके पीछे कुछ आइडियोलॉजी। तो इसलिए सबसे पहले इस डिस्कशन को प्रारंभ करने से पहले मुझे प्रतीत होता है कि आपको हम उन बिंदुओं की ओर ले जाएं जहां से यूपीएससी अपना क्वेश्चन को जनरेट करती है। राइट, यूपीएससी का भी आपने बिगड़ वर्षों का क्वेश्चन को देखा होगा तो आप एक चीज रियलाइज किए होंगे कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, I'm talking about the UPSC, not the state commission, वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न वो होते हैं जिनका आधार केवल फैक्ट्स होता है, only facts, only facts। और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन वो होता है जो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर आधारित होता है, आइडियोलॉजी पर आधारित होता है। फैक्ट्स के अंतर्गत भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला वो जो बिल्कुल फैक्ट्स होता है, जीजिया सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय हूम, जीजिया प्रथा का उन्मूलन किसने किया, ये बिल्कुल फैक्ट्स है। But the mission behind the abolition of the jizya system is ideology. Jizya ka usne abolan kyun kiya? Ye apne aap mein ek ideology hai. Right? Arthat, kuch bilkul facts hote hain, unko memorize karna padta hai. Lekin यदि आपका स्टोरी क्लियर है, आइडियोलॉजी क्लियर है, तो उन फैक्ट्स को भी पकड़ा जा सकता है। जैसे हम एक प्रश्न करते हैं, आपने पढ़ा होगा एसएससी के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में समाज का कैरेक्टर माति सदात्मक था, मेटीरियल था। Right? Suppose आप नहीं जानते कि what the character of Indus Valley Civilization was, लेकिन आप ये जानते हैं कि Indus Valley Civilization के excavation में अधिक से अधिक
माँ त्रिदेवी की मूर्तियां प्राप्त करो। आंसर आ गया, आंसर आ गया माय डियर, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट सपोज्ड टू मेमोराइज फैक्ट्स, यू आर सपोज्ड टू क्रिएट ओन इनसाइट्स हाउ टू गेट द आंसर। Once your concept is quite clear, the story is quite clear, it becomes very easy for you to get answer of any questions. And that's why I would like to focus on the very concept, the ideology, how to get the answer of the questions by the way of ideology. Right? Ishi tarah hum ek aur prashn dekhte hain. And I would like to know the answer from you. Aapse dusra uttar janna chahiye. हम कहते हैं वैदिक सभ्यता में महिलाओं का विद्या अध्ययन एवं यज्ञ में भाग लेने का The women had the power and the rights to get education and take participation in the yajna. Number one question. Number two is, Mahilaen sabha evam samiti mein bhi bhag leti thi. Samiti mein bhi bhag They also enjoyed the power to participate in the democratic institutions like the Sabha and Samiti. Right? Number third is, Unko Sampatti ka bhi adhikar tha. Ab mera prashn hai, in teenon statement mein kaun sa kathan asatya hai? Any of you? In Tino Kathan, which of the following statements seems to be incorrect? Correct. Why it is? Explain. Why you are of the opinion that the third statement is not right? Can you tell me? It may be your imagination? Thank you, Vyavastha Pitra Siddharthanti. जो कि इसका जो स्थानांतरण होता था जमीन का तो वो खाली क्या कहते हैं बाप मतलब सर आपने डायवोर्स का कोई वही नहीं था बच्चों को आता था पिता से बच्चों को आता था कॉन्सेप्ट नहीं था किसका डायवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एनी वन ऑफ यू नन ऑफ देम नो द इनकरेक्ट द स्टेटमेंट इज दैट बट दिस इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट द राइट एक्सप्लेनेशन इज In those days of history, the Aryans were leading the bustle of the life. They were nomadic people, nomadic, bustle. And that's why there was no concept of any property. Any property. And therefore, there was no imagination of providing any rights to women to have property. जब मेरे पास कोई जमीन ही नहीं है, बस्तर है। हम घूमने फिरने वाले लोग हैं हम वस्तुओं के पीछे पीछे घूमते रहते हैं जहां चल रहा है बिना उठ पाठ करते हैं तो जब कोई संपत्ति का कंसेप्ट है ही नहीं तो फिर महिलाओं को कहां से देंगे मेरी बात समझ में आई इसका मतलब यही हुआ कि जब भी आप किसी भी प्रश्न का अध्ययन करें उसका समाधान खोजने का प्रयास करें तो उसके पीछे की स्टोरी बन जाए उसके आइडियोलॉजी बन जाए और फिर आपके लिए उसका आंसर पूछना बहुत ही सरल हो जाता है और इसीलिए डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज नो वन मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द एस्पिरेंट्स टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सेशन क्या करना है टीचर आएगा क्यों आंसर बताएगा नो इंपॉर्टेंस ये है कि इस सेशन का मैनिफेस्टेशन हम किस रूप में करते हैं यदि इस सेशन का मैनिफेस्टेशन केवल हम प्रश्नों का उत्तर तक ही सीमित कर देते हैं तब तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं लेकिन यदि हम इसका मैनिफेस्टेशन इसका रिप्रेजेंटेशन हम एक्सपेरिमेंट
very relevant. And that's why, my dear, don't try to sign away yourself from the discussion if that is relevant. Now, I should start the discussion. Alwar means
इनलाइटेड पर्सन। अगवान शब्द का अर्थ होता है जो प्रबुद्ध व्यक्ति हो, जो प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति हो। यह शब्द का अर्थ यही है। इनकी पूरी संख्या 12 मानी जाती है, यानी कि 7th AD से लेकर के और 9th AD तक दक्षिण भारत में जो धारा आई, वो धारा दो भागों में, एक धारा विष्णु की ओर मुड़े वैष्णव और एक धारा शैव की ओर मुड़े, जिसने विष्णु को अपना आराध्य देव माना और उनके प्रेम में भक्ति गीतों को गाया। देवर कौन अलवार, जैसे कि ऐसे 12 संत थे, 12 जैसे तीव मंगई अंडाल पेरी अलवार दीज आर द नेम्स ऑफ द अलवार स्टेट। ऐसे 12 लोग हैं, राइट। और इनके भक्ति गीतों को जिस ग्रंथ में समाहित किया गया उसे न्याय तत्व के नाम से जाना जाता है। न्याय तत्व मीन्स दिस बुक इनकॉर्पोरेट्स द प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी ऑफ दीज अलवार सेंट्स। इज इट क्लियर नाउ? इनके सापेक्ष और इनके समांतर जो दूसरा स्ट्रीम ऑफ आइडियोलॉजी था, हैविंग अ मैसेज ऑफ भक्ति टू सरेंडर हिमसेल्फ, दिस इज कॉल्ड नैनार। उसे नैनार के नाम से जाना जाता है। ये नैनार जो थे वो सैव थे। नंबर इनकी पूरी संख्या 63 पूरे 63 की ऑन राइटिंग ऑल्सो पूरे 63 इनकी संख्या मानी जाती है, राइट। और इनमें से कुछ का नाम है तिरुज्ञान सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति संबंधक पूरे संख्या कितना है 63। और इनके द्वारा अपने आराध्य देव के प्यार में भक्ति में जिन गीतों को गाया गया उनका संग्रह शिवारा, उनका संग्रह जिस ग्रंथ में किया गया जैसे ये है न्याय तत्व, उसको ध्यान दीजिएगा दीवारों कहते हैं, नॉट शिवारा, दीवारों के नाम से जाना जाता है। एंड बोथ ऑफ देम स्पोक इन रीजनल लैंग्वेज तमिल। दोनों ने जिस भाषा को अपनी प्रगतिशील विचारधाराओं को प्रसारित करने के लिए वाहक बनाया उसे हम तमिल भाषा के रूप में जाना जाता है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the great contribution of Alvar and Nainar was to make the way to get the salvation by praying the God is bhakti. No priesthood, no yajna, no sorting, no mediation, only pure heart. Surrender yourself. Irrespective of the fact you are progressive, you are rich, you are poor, you are Brahmins, or you belong to which particular clan of Varna system in India. Varna vyavastha ke kis bhag se aap jude hue hain, aap dhani hain ki nahi, aap Brahman hain ki nahi, iska koi significance nahi tha. Keval aap apne aaradhya dev ke prati kitna swachh hain, kitna bhav hain। गीता में 3 तरह के मार्ग बताए गए हैं,
भक्ति का निर्माण है, नॉलेज का निर्माण है और कर्म का निर्माण है। इन्होंने सबसे सुलभ मार्ग बताया वो है भक्ति। एक बात और ध्यान रखनी, जैसा कि प्रश्न ने बताया कि जाति विरोधी, जाति विरोधी तो होगा ही, जो व्यक्ति मानव की एकता में विश्वास रखता है, द पर्सन हु कंसीडर्ड ऑल द क्रिएचर्स एज अ क्रिएशन ऑफ द गॉड्स, वो कैसे कर सकता है कि तुम ब्राह्मण मैं क्षत्रिय। मींस देयर वाज नो एनी क्लास, नो एनी रेस, नो एनी रिलीजन, एवरीवन वाज इक्वल बिफोर द गॉड। अब यहां एक बात और ध्यान रखना, unfortunately this progressive stream that was flowing from the thought of Alwar and Nena was restricted by Shankaracharya. Shankaracharya ne apne commander log se kaha diya, and he started what giving emphasis on the knowledge, not the bhakti, for the realization of the ultimate power of the world, that is God, Brahma. Bhakti ke dhara ko rok diya, yani ki punah wo sare log jo apna aradhya dev ko prapt karna chahte the wo vichalit ho gaye, where to go, where to go and what to do, kya kiya jaye. Then after Ram Lajaya came to the march, he again revived the Saraswati, the river Saraswati, to make the way for the salvation of all persons by the way of bhakti, devotion. Shankaracharya ne jis maar ko roka tha, Ramanujacharya ne puna usse revive kiya aur kaha, look, maine puna ise sulabh bana diya. And my dear, the same stream of bhakti was what? The mainstream that came to emerge in North India, dominated by Kabir, Raidas, Nanak, Chaitanya, Sitra, etc. Ye puri kahani. Theek hai? I should go ahead. Aage badh jaye. Dekhiye. Discussion ka arth yahi hota hai ki jab kisi bhi bindu ko badhaye तो उसके पूरा एरिया को आप ट्रांसपेरेंट कर दें कि कहीं से जो टच करता है तो हम उसके संदर्भ में आंसर दें। हम ये नहीं कर सकते थे कि मैं बताता इसमें से ये सही है, ये गलत है, गो अहेड। लेकिन यदि इतना स्टोरी आपको पता हो गया तो भविष्य में आप नहीं भूलेंगे कि ये स्ट्रीम कहां से आया, कैसे कैसे उत्तरी भारत में पहुंचा, कौन कौन से लैंडमार्क्स इवेंट आए, है ना। सर जो अलवर और नैना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट इज क्वाइट क्लियर, मेन पॉइंट क्वाइट क्लियर। अंतर तो पहले यही हो गया था कि एक सेवन हाउस से था और एक पर्सनल से था, और दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये कि शहर की अपेक्षा अलवार अपने विचारों में ज्यादा उदारवादी थे। दे आर वेरी टॉलरेंट एंड लिबरल इन कंपैरिजन टू वेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर आइडियोलॉजी टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट सर, नैना इज मोर लिबरल। यस, नो, अलवार वेयर मोर लिबरल, वेस्ट अलवार वेयर नॉट द नैना, बोथ ऑफ देम वेयर लिबरल, बट इफ यू मेक कंपैरिजन भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा विशेषता है कि विरोध उसने किया है जिसने धर्म के तत्व को समझने का प्रयास। अकबर
Why not give me such kind of reward to Hindus? जिसने धर्म के मूल तत्व को समझ लिया उसके मन में फिर विरोध नहीं है, वही अल्लाह भी है, वही गॉड भी है, वही रहीम भी है, वही राम भी है। नेक्स्ट सर, रामानंद क्रॉस गिर गया सर, रामानंद क्रॉस गिर गया टू कम इन द नॉर्थन एरिया एंड रामानुजन सर ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा मौर्य शासकों के द्वारा फारसी शासकों से ग्रहण नहीं की? 13, नंबर 1 बाएं से दाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि, घंटियों के आकार के शीर्ष वाले स्तंभ का अभिलेख, शासक के जन्म दिवस पर शाही केस स्नान करने की परंपरा। अशोक के समय में मौर्य शासक अशोक, भारत में तीन तरह की लिपियां जो है प्रचलित थी, तीन तरह की, उसमें से एक ब्राह्मी लिपि एंड मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक का have been engraved in this indigenous script of India, Brahmi, जो भारत का लिपि थी। दूसरी जो थी वो खरोसी लिपि थी, खरोसी, right? और तीसरी जो थी वो आर्मेइक लिपि थी, आर्मेइक। आर्मेइक लिपि लेकिन जो अशोक के पीलर थे,
they are tapering upwards. They form a graduate, a base in the pass. They get a so capital, see the journey name. तीसरा अंतर है कि अशोक के पिलर्स के ऊपर जो आकृतियां बनी है वो वस्तुओं की आकृतियां हैं, जबकि पर्शियन पिलर की जो ऊपर आकृति बनी है वो मानव की आकृति है। ये तीन सबसे बड़ा अंतर है। चौथा अंतर माना जाता है कि अशोक के पिलर्स स्वतंत्र रूप से आकाश के नीचे गए हुए, अब पर्शियन पिलर्स कहीं ना कहीं किसी भवन में उनका प्रयोग किया गया। And therefore, it might be possible that by the way of Clean Thomas, the Asoka architects, they must have influence with the Persian tradition. But we can't say the Asoka pillar was merely a replica of the Persian pillars. So, replica bhi ho sakta hai. Vyapar vanijya ke madhyam se हम भी किसी का ट्रेडिशन को लेते हैं, मेरे ट्रेडिशन को भी लेता है। इसका मतलब तो ये नहीं कह सकते ना, इट वॉज नॉट इंडिजिनस, इट मस्ट हैव गॉट द इन्फ्लुएंस, बट इट इज हैविंग सेवरल फंडामेंटल कैरेक्टर्स दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पर्शियन ट्रेडिशन, जैसे कि मैंने आपको। और इसलिए इस प्रश्न में देखेंगे कि केवल एक ही इसका आंसर जो है क्या कहते हैं सही है, अब वो है क्या कहते हैं पहला। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी जो ब्रह्मी लिपि है वो बाएं से लिखी जाती थी, और इसलिए सत्य है क्योंकि उनकी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। मेरी बात समझ आ रही है? और नीचे के दोनों ही जो ऑप्शन है दिया इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इतिहासकार नहीं मानते हैं कि अशोका पिलर वॉज रेप्लिका ऑफ द पर्शियन ट्रेडिशन, और इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। इस अंदर क्लोनियल परसेप्शन टू सुपरइम्पोज द क्लोनियल डोमिनेंस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, ये उनका तरीका है कि हर हमारे प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स को उन्होंने मान लिया, it is not an indigenous creation. Sindhu Sabhyata, usko maan hai. It was the creation of the Mesopotamian civilization. Meri baat samajh rahe ho? So some people say that we have developed our own indigenous perception. Ki hum swikar karte hain ki vyapar vanijya ke madhyam se exchange of ideas hote hain. Lekin exchange of ideas ka matlab ye nahi hota hai ki I don't have my own talent to create my own system. Hai na? आपने भी हमसे सीखा, हमने भी आपसे सीखा, ठीक है? Next. सर फिर मतलब कोई भी आएगा कि इन्फ्लुएंस है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी में कभी भी डिस्प्यूटेड प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अशोक से पहले वो ट्रेडिशन था, एक्सचेंज हुआ होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट आता है कि इट वाज रेप्लिका। सर रेप्लिका तो पक्का नहीं क्योंकि डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं, बट इट मस्ट हैव, बट इन्फ्लुएंस इट मस्ट हैव इन्फ्लुएंस। वेल बाय द वे ऑफ चेंज ऑफ कोर्स, राइट? सर इसका आंसर कौन सा होगा? अली वन द आंसर सी आंसर करो भाई, देन हियर इट स्टेटेड दैट इट वाज इन्फ्लुएंस, द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेरेमोनियल हेयर बॉल। Look at the answers here. They have written that the person influence. Okay. In this paper, I've got some flaws because what am I going to discuss in the class? I have my own perception taken from the historians, and that's why, जो मैं कहता हूँ उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, जैसे मैंने आप कई तरह के एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है ना? रविला ठाकुर से लेकर ये सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, आप बताओ, मैं कई एग्जांपल्स देता हूं। आप कोई ये भी कहते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिजिनस नहीं है,
मैं सोचो आप यहाँ तीनों बात करके इसको क्रिएट करती है आप तेरी भी बोलते हैं ना तो हमें तो बीच का मार्ग लेना होगा ना अब बीच का मार्ग ये कहता है कि सच काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस मस्ट हैव बाय द वे ऑफ ट्रेड कॉमर्स बट इट डज नॉट मीन कि एनी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी और द architectural developments of India can be taken as a replica of the Western civilization. I mean, it's impossible. मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो सावधानी से आपको आंसर को देना है. स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़िए अब तब जाकर के अपना कोई एक ऑप्शन ध्यान रहे ठीक है और इसलिए इस पेपर में कई ऑप्शन और कई क्वेश्चन हमारे कंट्री में लेफ्ट टू राइट टू और वहाँ पे राइट टू लेफ्ट ब्रह्मी तो है ना वो लेफ्ट टू राइट है जो खरोस्टी है वो राइट टू तो सर खरोस्टी इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन यस खरोस्टी में एस्टेट केम वेरी मच बाय द इंटरमिंगलिंग ऑफ द रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस एंड देयर ओन लैंग्वेजेस राइट नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 14 पूछिए ना क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए प्रश्न आप देख रहे हैं ना पहला प्रश्न है पहला है नवरोज 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 जो है इज अ पर्शियन ट्रेडिशन एंड दिस ट्रेडिशन वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्बर इन हिज कोर्ट दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बर्बर ने कई पश्चिम ट्रेडिशन को अपनाया उसमें से एक भी एक था नवरोज लेटर ऑन मुगल एम्परर्स आल्सो एडॉप्टेड दिस ट्रेडिशन टू एडॉप्ट देयर कोर्ट मुगल शासकों ने भी इस ट्रेडिशन को अपनाया ध्यान रहे दूसरा कहता है क्या कहते हैं ये कुटियट्टम ठीक है ये जो है क्या कहते हैं ये माना जाता है कि अपने आप में एक थिएटर है थिएटर ये थिएटर है थिएटर समझते हैं ना रंगमंच ठीक है ना और ये रंगमंच जो है ये माना जाता है क्या कहते हैं झारखंड ये झारखंड नहीं है ये हाँ केरल केरल में है ठीक है ना केरल में है तीसरा जो ऑप्शन है योग योगा योग क्या है ये मानसिक पतंजलि के माध्यम से इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट एक्सरसाइज टू लीड द बॉडी एंड माइंड ठीक है ना हार्ट एंड माइंड हृदय और दिमाग को दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए हम योगा का प्रैक्टिस करते हैं इट वॉज गिवन बाय पतंजलि और चौथा है छोड़ इट्स अ काइंड ऑफ या फॉक डांसेस बीइंग प्रैक्टिस्ड इन झारखंड उड़ीसा सेंट्रल तो ये तो फैक्चुअल है इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 निकालिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 अशोक के राजा देशों का सबसे पहले ठीक है सबसे पहले डेसिफर किसने किया Who among the following deciphered the edicts of Ashoka? Sir, 15th question. उसको देने के लिए और factual है, जो main members हैं उसी के ऊपर highlight करेंगे हम, ठीक है? जो main members हैं ना, first of all, we should move on to that questions, ठीक है? देखिए, William Jones, सबके बारे में note करते जाइए ना, William Jones and William Jones is given credit to establish Asiatic society. Asiatic society. William Jones ने Asiatic society का स्थापना किया, right? और इस society का मुख्य मकसद था, ध्यान दीजिए, ये important है. इस society का मुख्य मकसद था to study the Oriental languages and literatures. भारतीय साहित्यों का अध्ययन करना
क्यों अध्ययन करना भाई? To understand the indigenous cultures of India, भारतीय संस्कृति का जानकारी प्राप्त हो जाए, क्यों हो जा रहा है? To support the British administration in ruling India effectively, भारत को बेहतर तरीके से शासन चलाने के लिए जरूरी है यहाँ की संस्कृति को जाना जरूरी। ये उसका सोचना नंबर वन। नंबर टू इच विलियम जोन्स should be appreciated to translate a Vigyan Sakuntala, a landmark literature of Kalidasa, into English. A Vigyan Sakuntala question, kya hua kiya? Angrezi bhasha mein? Keep on writing it. A Vigyan Sakuntala, jo Kalidas ki adbhut rachna hai, uska isne Angrezi bhasha mein translated kiya. Dhyan ji. Sir, uski book ka kya naam hai? वो ट्रांसलेटेड बुक है, राइट? ट्रांसलेटेड बुक है। नेक्स्ट, मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर जो है, ही इज अ जर्मन स्कॉलरिस्ट। वो जर्मनी का विद्वान है एंड ही इज इंडोलॉजिस्ट या भारतीय भाषाओं का, और भारतीय जो है जो संस्कृति है इसका अच्छा खासा ज्ञान रखता था। मैक्स म्यूलर जैसे आर्यों के बारे में स्टेटमेंट दिया कि आर्य कहां से आए थे, ये मैक्स म्यूलर का ही, किस सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, बोला था नहीं, मध्य एशिया से आ रहे हैं। तीसरा है जेम्स प्रिंसेप। इसकी सबसे बड़ी योगदान है कि अशोक के अभिलेख जो मिले, इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं, उसको अध्ययन किया एंड बताया कि ऑल दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू मौर्य रूलर अशोक, राइट? और चौथा है जॉर्ज पहलर। इसने मनुस्मृति का मनुस्मृति जो है इज अ काइंड ऑफ व्हाट सोशल एंड लीगल कमेंट्री दैट मेक रिकमेंडेशन टू द किंग हाउ टू डू द पीपल। इट आल्सो मेक रिकमेंडेशन टू द सोसाइटी हाउ टू मेंटेन द वर्ना सिस्टम। यानी कि मनुस्मृति का वही स्थान है हमारे देश में, ठीक है ना, जो हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाकाव्य है रामायण महाभारत, जो हमें आदर्श देता है। मनुस्मृति बताती है कि कैसे शासन चलाना चाहिए, समाज को कैसे काम करना, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 70, राइट? प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। सर, फिर जॉर्ज बैलन ने मनुस्मृति का अध्ययन किया, उसका ट्रांसलेशन भी करने का इसे क्रेडिट दिया जाता है। ट्रांसलेशन, यस, राइट। क्वेश्चन नंबर 70, आप प्रश्न भी देखते रहे ताकि हमारी आपकी कम्युनिकेशन जो है साथ साथ चलता रहे, ठीक। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, इट इज सेड टू बी एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन राय। इसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, नंबर वन थे। राजा राम मोहन राय इज सपोज टू बी द हार्बिंजर ऑफ मॉडर्न इंडिया, हार्बिंजर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आधुनिक भारत का अद्भुत माने जाते हैं। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही सेट अप सेवरल कमीशन एंड कमिटीज एंड सोसाइटीज to propagate his progressive ideology, to bring about the paradigm shift in the different aspects of the society. जैसे आप देखेंगे कि शिक्षा के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना, वेदांता कॉलेज की स्थापना, समाज धर्म सुधार लाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो सब मिलाकर के हमें ध्यान रखना है कि उन्हीं में से एक कमिटी था जो राजा राम मोहन राय द्वारा
स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य था कि इसके माध्यम से अपनी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाना। और जो सेकेंड और थर्ड जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, क्या कहते हैं केशवचंद्र सेन को दिया जाता है, केशवचंद्र सेन, केशवचंद्र सेन, केशवचंद्र सेन के बारे में जो हमें जानकारी रखना चाहिए, जहां से प्रश्न आ सकते हैं वो ये है कि यू आर द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट अबाउट द नेचर ऑफ ब्रह्म समाज, द नेचर ऑफ ब्रह्म समाज एज एंड आवर इंडियन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनके पहले ब्रह्म समाज की जो सामाजिक आधार थी केवल बंगाल तक ही सीमित थी। और केशवचंद्र सेन ने उसी ब्रह्म समाज को जब महाराष्ट्र में पहुंचाया तो प्रार्थना समाज बन गया है ना, और उसी को जब मद्रास में पहुंचाया तो वेद समाज, यानी वेद समाज इन मद्रास एंड प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र, बोथ ऑफ देम केम टू एमर्ज by having inspiration from the Keshavchandra Sen. He was very different. He was not in a position to follow the rules and regulations of the Hindus like Raja Ram Mohan Rai, because Raja Ram Mohan Rai was the first person he was apprehensive to destroy. He had an opinion that it must be reformed gradually. Lekin Keshavchandra Sen ne kaha ki unka vichar tha कि सुधार तब होगा जब उस सुधार की टेंडेंसी को रिवर्सनरी बना दिया जाए, कि जो गलत है वो गलत। और ये इनका जो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये संगठन की स्थापना केशवचंद्र सेन ने 1870 में किया, 1870 70, and this organization was committed to what? Bring about some progress in the dependent position of Indian women. महिलाओं की स्थिति गिर रही थी, उस स्थिति में सुधार लाने के लिए this organization, Indian Reform Association, was set up by केशवचंद्र सेन. Right? जो भी आपको important लगे उसको note कर लीजिए, क्योंकि discussion का मतलब यही होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष, चूल्हे का मीन्स कुकिंग, चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष सबसे पहले कहां मिलता है? इन इंडिया द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हर्थ हैज बीन फाउंड फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा ये साइट का नाम है विला सुरगाम। अब ध्यान दीजिए, ये ऐसा प्रश्न है कि बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न कभी भी मेरे का निर्धारण नहीं करते, कारण कि यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है, साइज है। यदि आप भागते हैं तो इसका उत्तर आप आसानी से लगा लेंगे, अन्यथा आइडियाज को जनरेट करना पड़ेगा ही, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको। यह साइट जो है माना जाता है आंध्र प्रदेश, इसे हम मानते हैं कि इट वॉज लोकेटेड इन, नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, एंड this site belong to Paleolithic age, Paleolithic age, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये साइट पूरा पाषाण काल से संबंधित है, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं से सबसे पहले जो एक्सकेवेटर है उनके माध्यम से चूल्हे की प्राप्ति की गई। मीन्स अब यहां आइडिया ये है कि लोग अब खाना बनाना
शुरू किए थे, यानी कि लोग अब धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ने ये प्रश्न है। नेक्स्ट एज की, दक्षिण एशिया में कहां पर सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिलता है, बताएंगे आप? बलूचिस्तान। ये प्रश्न अच्छा है, ध्यान दीजिए, इसको हमें ऐसे समझना है कि अराउंड 7000 BC न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज केम फेमस भारत में, न्यूलिथिक एज प्रारंभ हो गया, केम टू एमच। और चूंकि आपने पढ़ा होगा कि सिंस मेसोलिथिक एज, सिंस मेसोलिथिक एज द पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेट, लोग मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन की ओर मुड़ गए थे। जैसा कि हमें दो स्लाइड्स मिले हैं उसमें से एक का नाम है बागौर इन राजस्थान एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। दो ऐसे साइट हैं जो प्राचीन भारत में सबसे पहले दे लिव टू प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा पशुपालन करने का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य, ये दो स्थान है, ठीक है ना? इसका मतलब तो यही हुआ कि जब मानव पशुपालन की ओर मुड़ गया, स्टील हिम्मत घटती, जो पहले पशु को मारता था, मींस उसका अगला स्टेप होगा एग्रीकल्चर, एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वॉज बीइंग प्रैक्टिस बाय द पीपल बाय द एमर्जेंस ऑफ न्यूलिथिक एज अराउंड 7000 BC। And the first site that led to provide the cultivation of wheat and barley was Balochistan. Balochistan, और उसी बलूचिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है मेहरगढ़। नोट कर लीजिए, मेहरगढ़। This site is located Balochistan. Now in Pakistan, right? And this is called what? The basket of bread. Basket of bread. यानी किसे रोटी का क्या कहा गया? कटोरा कहा गया। ध्यान दीजिए, ये बोलन नदी किनारे है। It is located near Bolan River. Bolan. इस साइड से प्रश्न आएगा तो क्या क्या आएगा, जरा ध्यान रखना। नंबर वन, कृषि का साक्ष्य गेहूं जौ, पशुपालन भेड़ बकरी, राइट, और हथियार पत्थर और हड्डी दोनों से, है ना? अब साइड किससे बिलोंग करता है? इतना प्रश्न आपको यहां से मिल सकते हैं। और कभी भी आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हल करते हैं तो केवल आंसर तक मत चलिए, उस पूरे आंसर के बैकग्राउंड तक टच करिए कि अगला प्रश्न इसके नदी से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1832-33 में के कुल जनजाति विद्रोह में से में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी, ठीक है? प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स didn't participate in the coal rebellion in 1832 and 1833. पहले आपको यह जानना है कि कौन कौन थे, कौन थे कौन? कौन बेसिकली इंडिकेट्स ए काइंड ऑफ ट्राइब, a kind of
tribe, a kind of tribe. And they were residing in the regions of Chotamapur. Chota? With the expansion of British Empire, the exploitative machinery of the British Empire, led by moneylenders, contractors, zamindars, and defective judicial and police machinery, they also started penetrating in those regions. And thereby, they started subjecting these innocent people for their own selfish interest. They started distorting their distinct culture, language. They started converting them into Christianity. As a result, in different regions of India, in different times, several tribal separation movements came to emerge. Among them, Kol was. उसी में से कोल ये था। बात समझ आ रही है? अब प्रश्न ये करता है कि इनमें से कौन उसमें सम्मिलित ध्यान दीजिए जो कोल रीजन है उस रीजन में मुंडा भी है वो भी है और चुआ भी है क्योंकि इसके पहले इन 1763 चुआ ट्राइबल मूवमेंट्स हैड कम टू एमर्ज इन द बंगाल रीजन बंगाल के क्षेत्र में चुआरों ने उसके पहले ही विद्रोह किया था तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा भिल वो भिल नहीं थे क्योंकि भिल अधिकांशतः पश्चिमी भारत के क्षेत्र में है ना नंबर वन पॉइंट सर वेस्टर्न इंडिया में कहाँ पे भिल भिल ट्राइबल ट्राइबल अगला प्रश्न है कि Who among the following did not belong to Baptist Missionary Group? ये भी अच्छा प्रश्न है ध्यान ये भी अच्छा प्रश्न है इनमें से कौन सा Baptist Missionary Group में सम्मिलित नहीं था इसका उत्तर तो है सी इसका आंसर जो है सी है लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आंसर बताना नहीं मेरा आंसर मेरा उद्देश्य है कि ये था क्या इसके बारे में बताना अब कहां से प्रश्न इससे संबंधित आ सकते हैं इसमें तीन नाम है आई लाइक टू डिस्प्ले ऑन द बोर्ड विलियम के नंबर वन मार्शमैन एंड वॉट डब्ल्यू एफ आर डी वॉट दे आर नोन एज ए श्रीरामपुर त्री इसको हिंदी में श्रीरामपुर त्रय कहा गया मतलब तीन मीन्स थ्री की पर्सन राइट वॉट कन्फाइनिंग देमसेल्फ इन श्रीरामपुर ए साइलेंट वेस्ट बंगाल टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी श्रीरामपुर इन बंगाल In Bengal, and this site belongs to Dutch East India Company. Kya? Dutch East India Company. Ye site jo tha, wo Dutch East India Company ka tha. Jitni companies bhaag rahi thi, zara dhyan rakhna. Number one thing, the first Christian missionaries which entered into Indian domain. belongs to Dennis. सबसे पहले भारत में जो क्रिश्चियन मिशनरी आई इस दौर में वो डेनिस थी डेनमार्क बट लेटर ऑन ब्रिटिश सपोर्टेड मिशनरी आल्सो स्टार्टेड पेट्रेटिंग इन टू इंडिया ब्रिटिश सपोर्टेड मिशनरी भी भारत में आने लगे शुरुआती दौर में द ईस्ट वेरी स्टाइल फॉर आवर आइडियोलॉजी जो हमारे लिए सही नहीं होगा एंड इट वॉज सीन
जब 1857 जैसा 1857 क्रांति मिला एंड दैट्स व्हाई बाय द एंड ऑफ 1813 फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव परमिशन टू Christian missionaries to propagate Christianity in their lands. Once the British government succeeded in strengthening the foundation of British Empire, जब अपनी पकड़ को मजबूत कर ली, तब कहा, yes, now you are allowed to propagate without any tents. मेरी बात समझ रहे हैं? और ये तीनों के तीनों जो हैं, जब इनको ब्रिटिश सरकार ने परमिशन नहीं दिया अपने क्षेत्र में जाने के लिए person who translated New Testament into the Indian languages. Bhartiya Masao me, ye jitne bhi sahitya the, jo Christianity se sambandhit the, uska translation ye log karte the. So that their message could be propagated. Jisse ki message ko propagate kiya ja sake. Meri baat samajh aayi? Next है कि most of the Harappan seals are made of हरप्पा के अधिकांश मुहरों का जो निर्माण होता था वो किससे होता था ठीक है इसका उत्तर है एस्टिटाइट जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं लेकिन जानना क्या है केवल ये नहीं जानना है कि किस पत्थर से या किस धातु से बनता है जनता तो ये है कि मोहर होता क्या था ये मोहर क्या होता था इस टेस्टिफाइड के अलावा हड़प्पन सील्स वे आल्सो मेड विद अदर स्टोन्स लाइक फेन्स ऑप्शन सी फेन्स से भी बनाए जाते थे लेकिन इनका सिग्निफिकेंस ये था कि ये सील पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है हड़प्पा वासियों की जो आर्टिस्टिक सेंस था उनकी कलाएं क्या थी इस शील के माध्यम से ही मिलता है जो पशुपतिनाथ की जो आकृति मिली हुई है प्रोटो सीमा मार्शल कौन थ्री हेडेड सीमा सिटिंग इन पद्मासन पोजीशन में शिव बैठा हुआ है तीन मुख वाले एंड हॉर्न हेडेड उनके सिर पर सिंह भी दैट सीम्स टू बी प्रोटो शिवा मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली एक मुहर से ही हमें प्राप्त होती है यानी कि मुहरों से हमें क्या क्या मिलता है हड़प्पन स्क्रिप्ट हड़प्पन आर्ट्स राइट द यूज ऑफ स्टोन्स द प्लेसेस वेयर इट वाज कॉट राइट यानी कई चीजें हमें शील से प्राप्त होती है और इस शील का उपयोगिता जो होता था वह होता था टू वेरीफाई द कमर्शियल कमोडिटीज बीइंग डिस्पैच बाय वन पर्सन टू द अदर पर्सन जैसे आज हम मुहर रखते हैं हम कोई सामान बेचते हैं तो उस समय में इसी मुहर का ठप्पा मारा जाता था है ना कि ये इस ब्रांड का है और इस ब्रांड के माध्यम से आपको भेजा जा रहा है यानी कि व्यापारिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता था टू वेरीफाई द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनी कमोडिटी बीइंग डिस्पैच्ड और बीइंग सेंट बाय एनी कमर्शियल पीपल फॉर द अदर पर्सन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर हाँ जी सर एक बार पर्शियन लैंग्वेज माइंड कर दो क्या आई कहां से इंडिया में और इसका कल्चरल जो इन्फ्लुएंस हुआ कैसे हुआ कहां से जो पर्शियन लैंग्वेज है पर्शियन लैंग्वेज नंबर वन उसका ओरिजिनेशन यस बिफोर द मॉरियंस रूलर्स
before the Maurya Empires, some foreign invaders like Darius first, जिसे हिंदी में दारा प्रथम कहा जाता है, right? He was the first ruler from the Persia to make a military expedition in India, in the northwest regions of India. भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सबसे पहले क्या Darius ने अटैक किया, जरा ध्यान, और उसके अटैक के माध्यम से ही जो वो क्षेत्र भारत में आया, उसके कब्जे में आया, वहां की संस्कृति को लेकर के आया, वहां की संस्कृति जैसे उसकी की भाषा, उसकी अपनी लिपि है ना, और वही जब वहां के रीजनल जो नॉर्थ वेस्ट रीजन का जो रीजनल क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र, उनके स्थानीय संस्कृति और उनकी संस्कृति जो मिली, तो उसके माध्यम से न्यू स्क्रिप्ट के मर्ज दैट इज नोन एज ए खरोसी स्क्रिप्ट, उसी को खरोसी लिपि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसलिए भारत के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं फैला, बिकॉज दोज पर्शियन रूलर्स फेल्ड टू पेनिट्रेट इन द इंटरनल डोमेन्स ऑफ इंडिया, उनकी शासन जो है वही तक सीमित हो गई, आंतरिक भागों में उनका शासन का विस्तार नहीं हुआ। सेम ट्रेडिशन सेट बाय द वाज लेटर ऑन फॉलोड बाय द जो कल्चर आती है, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम समाप्त हो सकती है, लेकिन जो ट्रेडिशन आपने दिया है वो तो पहले कैसे दिखेगा, राइट। नेक्स्ट सर, जो ये टर्किश थे, ये दिल्ली सल्तनत वाले टर्किश थे, इतने हम तो सेंट्रल एशिया सर, दे आर हां मंगोलाइज थे, वो भी कौन थे, दे आर आल्सो फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, लेकिन मंगोलाइज को माना जाता है कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन था उनके अंदर, बुद्धिस्ट they were basically what? First one people later on they followed or they adopted Islam. दिल्ली सल्तनत के जितने रूलर्स थे ना, वो किसी कास्ट से किसी क्लास से जुड़े हुए नहीं थे, पर्सनल थे, ठीक है ना। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, ठीक है। अब फिर अपनाने के बाद इस्लाम के प्रचार और अपनी मतवांछा के लिए इस्लाम, ठीक, उनका कोई जाति नहीं थी, इस्लाम को उन्होंने स्वीकार कर ली, और चूंकि सेंट्रल एशिया से आए थे इसलिए मना गया कोई सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट, बिमला टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा इज डेडिकेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिलवाड़ा की बिमला मंदिर निम्नलिखित में से किसकी किसको समर्पित है, ध्यान दीजिए, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग 700 बीसी टू 1200 बीसी Three style of architecture came to emerge. Nagar style. Nagar in north, right? Basin, the region up to River Krishna and Dravid, far south, three style of architecture came to emerge. And this temple of Bimal, located in Mount Abu, Rajasthan, two temples were constructed in Mount Abu. Bimal Basahi and Nuri Basahi. Iska pura naam hai Bimal Basahi. Right down. Bimal Basahi. Bimal Basahi and Luni Basahi. Bimal Basahi and Luni Basahi. Both the temples were constructed at Mount Abu in Nagar style architecture. ये दोनों नागर स्टाइल में बनाए गए हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो मटेरियल से बने हैं वो बिल्कुल व्हाइट मार्बल है, क्या है, व्हाइट मार्बल, नोट कर लीजिए, व्हाइट मार्बल, राइट। और सबसे खास विशेषता तो ये है कि जो आदिनाथ को समर्पित है
ये विमल वसई उसमें आदिनाथ के आंख को डायमंड से बनाया गया है, हीरे की आंख है, आईज मेड ऑफ डायमंड, आईज मेड ऑफ डायमंड। ठीक, अब जो लूनी वसई है यह भी एक जैन तीर्थंकर को ही समर्पित है जिसका नाम है नेमिनाथ। नेमी पूरे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, उनमें से एक था ऋषभदेव आदिनाथ, एंड दिस टेम्पल वॉज कमिटेड टू वॉच टू डिस्प्ले वेनरेशन टू आदिनाथ, एंड द सेकेंड लूनी वसई वॉज कमिटेड टू वॉच डिस्प्ले द रिस्पेक्ट टू अनंत तीर्थंकर and both of them in another side of architecture. Is it clear? Next question. Sir, Hindi में समझा दीजिए। आदिनाथ त्रिशक्ति भी बताते हैं। ये दोनों मंदिर राजस्थान स्थित माउंट आबू में बने हुए हैं, और ये दोनों मंदिर जो है यह नागर शैली में बनाए गए हैं। दूसरा कभी इन दोनों में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तीसरा विमल वसई जो है आदिनाथ को समर्पित है, जिनमें उनकी आंखों को डायमंड से बनाया गया है। अलूनी वसई जो है वो भी एक तीर्थंकर को समर्पित है जिनका नाम है नेमी। अब क्लियर है ना, लेकिन इसके साथ ये भी तो बता रहे हैं इन दोनों मंदिरों के निर्माण में गुजरात के चालुक्य शासकों का चलन किया, एक राजपूत शासक, एक लाइन ऑफ राजपूत। ठीक है ना, नेक्स्ट। समर्थन मतलब जैन धर्म का उन्होंने संरक्षण किया, आप देखोगे कि साउथ में भी कई ऐसे राजवंश हुए, जैसे कदम वंश हुआ, उड़ीसा का कदम वंश हुआ, ये सारे के सारे वंश जैन धर्म का समर्थन थे, जैन धर्म को संरक्षण दिया। जैसे कि अशोक ने बहुत जो आपने लिखा है वो उसके टेम्पल के नाम पे है। इसका टेम्पल जो है ना, देखो ये नागर है, नागर हिमालय से लेकर के और बिंदु पर्वत अच्छे जिसके बाद दक्षिण का क्षेत्र शुरू होता है, बिंद तक का क्षेत्र नागर में आता है, यानी उत्तरी भारत के जितने मंदिर बने हैं ऑलमोस्ट जो क्लासिकल लेवल पर देखा जाए, अब टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल आर्किटेक्चर, वो नागर स्टाइल है। बेसन में वो आएगा जो बिंद से लेकर के और कृष्णा नदी के क्षेत्र तक, ठीक है ना, जो बीच में आएगा वो बेसन हो गया, राइट। और उस कृष्णा से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जो है वह द्रविड़ में हो गया, जरा ध्यान रखिए। अब ये तो आप जानते हैं नागर शैली, बेसर शैली के बारे में थोड़ा बताएं। बेसर शैली जो है इट इज नॉट इंडिजिनस, कुछ इसने नागर से लिया और कुछ इसने द्रविड़ से, राइट। और बेसर शैली के जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों के बनाने में ध्यान दीजिए होयसल, होयसल शासक नंबर वन, और दूसरा चालुक्य शासक, इन दोनों का योगदान माना जाता है, चालुक्य और होयसल। जबकि द्रविड़ शैली का जो बिगिनिंग हुआ वो पल्लव से हुआ, किससे हुआ, पल्लव से आगे बढ़ा। पल्लव के बाद देखोगे कि राष्ट्रकूटों ने इसे संरक्षण दिया, राजपूत हो गए, वहां से और आगे बढ़ा, चोलों तक आते आते अपना चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। चोलों के बाद पांडे शासकों ने संरक्षण दिया, अब पांडव से आगे बढ़ा तो विजयनगर ने इसे संरक्षण दिया। यही पूरा हिस्ट्री है, विजयनगर मीन्स दिस ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर केम फेमस अंडर द लिबरल पैटर्न गिवन बाय द पल्लवज, and later on it got its epitome during
during the reign of Chola, they started debating, but the scheme was patronized by the Pandyas and the Visayas. With some new features were included in the classical features developed by the Pallavas and the Cholas. Right? Next. Next question. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ध्यान दीजिए। दूसरा है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। और तीसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय माना गया है। इस पूरे प्रश्न पर विचार करने से पहले केवल हम ये बता दें कि हु इज बोधिसत्व एंड व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ बोधिसत्व, इस सारा प्रश्न का उत्तर निकल भी जाएगा और भविष्य में भी जो प्रश्न आएंगे उसको आप करेंगे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क द कुशान इंद्रस द बुद्धिज्म केम टू बी क्लासिफाइड into two categories, Hinayana and Mahayana. Clear? Hinayana, Mahayana, those sampradayas mein Bodhisattva ka vibhajan. Hinayana was very traditional in its outlook, but Mahayana was very liberal in its outlook and tendencies. Hinayana yah mana karta tha कि भगवान बुद्ध के माध्यम से जो शिक्षा दी गई है, जो परंपराओं का स्थापना की गई है, वही परंपराएं आज भी चलना चाहिए। बट महायान स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस विद द चेंजिंग सेनाइ, बदलते हुए परिवेश अनुसार महायान अपने आप में परिमार्जित करने लगा एंड देयर बाय महायान स्टार्टेड एडॉप्टिंग सिमिलर फीचर्स ऑफ ब्रह्मिज्म like incarnation अवतारवाद अपना लिया, अवतारवाद अपना लिया। दूसरा भक्ति, तीसरा लॉर्ड बुद्धा वाज टेकन एज ए व्हाट इनकार्नेशन ऑफ गॉड, भगवान मानकर के उनका पूजा किया जाएगा। यहां तक कि महायान ने अप्लीकेटेड द यूज ऑफ पाली लैंग्वेज टू प्रोपेगेट देयर मैसेजेस, इवन स्टार्टेड अडॉप्टिंग संस्कृत लैंग्वेज दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ ब्रह्मिज्म। इसने पाली को भी छोड़ दी और संस्कृत को अपना लिया। ध्यान, यहां प्रश्न रहता है कि दो तरह के निर्वाण होते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में दो तरह के निर्वाण होते हैं। एक निर्वाण वो होता है जो इस जीवन में प्राप्त हो जाता है, उसे भी निर्वाण कहते हैं। क्योंकि निर्वाण का अर्थ होता है आग का बुद्धिज्म, आग का बुद्धिज्म। यहां आग से मतलब आपकी जो एग्नोरेंस का जो आग है उसका उसकी समाप्त हो जाए, एंड ऑफ एग्नोरेंस उसका समाप्त हो जाए। जब व्यक्ति इसी जीवन में अपने अंदर के अंधकार को इग्नोरेंस को हटा देता है, दे कि बिकेम बुद्धा, वो बुद्ध बन जाता है और जीते हुए भी लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास करता है। इसको निर्वाण कहते हैं। अगर ये शरीर मुक्त हो जाता है उसे कहते हैं परिनिर्वाण। क्या कहते हैं? परिनिर्वाण। अतः भगवान बुद्ध का निर्वाण और परिनिर्वाण समान नहीं था, एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। एक महान व्यक्ति का मृत्यु, इसलिए परिनिर्वाण नहीं महापरिनिर्वाण। महायान में माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनलाइटमेंट को प्राप्त कर लिया है, वह समय समय पर आकर के और उन लोगों को सहायता करते हैं who have desired to get enlightenment, जो कि इनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। अर्थात इसका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर लिबरल है, जबकि ई ज्ञान का कैरेक्टर है वो लिबरल नहीं है। वो कहता है every person should make his own effort to get realization of salvation. हर व्यक्ति को स्वयं अपने द्वारा परिश्रम करना चाहिए अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रश्न में आप देखोगे कि ये प्रश्न पर हमको जो है
क्या कहते हैं, थोड़ा सा असंतोष है इस प्रश्न पर, मेरा अपना असंतोष है, क्योंकि ये कहता है कि विलंबित करता है, निर्माण प्राप्त करने के लिए विलंबित करता है, जबकि प्रश्न होना चाहिए कि परिनिर्माण, क्योंकि बिना निर्माण प्राप्त किए हुए वो बोधन पर नहीं बढ़िया कैसे भाई, विदाउट इनलाइटमेंट हाउ कुड ही एलिवेट हिमसेल्फ एट द लेवल ऑफ बोधिसत्व। मेरी बात समझा रही है ना, यदि आप अपने आप को उस ज्ञान तक पहुंचाए ही नहीं है तो भी आप बोधिसत्व कैसे कहा जाए। पहला स्टेज तो होता है निर्वाण, अतः होता है परिनिर्वाण, ध्यान रखना। इसलिए इस प्रश्न पर थोड़ा हमें आपत्ति है ना, और कंसेप्ट यही है कि निर्वाण इस जीवन में प्राप्त होता है, परिनिर्वाण मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद कैसे क्या चीज प्राप्त हो जाती है, क्या है बताइए? सर जैसे इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त हो गया तो शरीर तो है ना, ये सब शरीर है सर, मरने के बाद फिर कैसे क्या चीज को मतलब प्राप्त हो जाती है, पता कैसे है? देखिए नहीं, इनका प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। एवरी क्वेश्चन हैज सम आंसर, द सेम क्वेश्चन हैड बीन पुट बाय मीनांदर इंडो ग्रीक रूलर टू ए बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुन। यही प्रश्न नागार्जुन के समक्ष इंडो ग्रीक रूलर मीनांदर ने किया है, क्या यही प्रश्न मीनांदर के समक्ष किया था किसने, मीनांदर ने किया था नागार्जुन से, व्हाट इज निर्वाण, निर्वाण होता क्या है। नागार्जुन ने कहा आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इज निर्वाण इन द वर्ड्स, इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये सेल्फ रियलाइजेशन का प्रश्न है कि व्हाट इज निर्वाण। सर एक्चुअली आई एम आस्किंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन निर्वाण एंड परिनिर्वाण। निर्वाण मींस वंस यू स्टार्ट गेटिंग इलाइटमेंट इन द लाइफ, इन दिस लाइफ स्टिल यू आर ए लाइफ to propagate your message, this stage is called Nirvana, right? And after the end of your body, life, the stage you are getting that is called... Sir, मरने के बाद तो मरी है ना, तो परिनिर्वाण कैसे बना? सही से समझ नहीं आया आपकी आगे बढ़ते हैं, आप आगे कुछ नहीं लिया, ठीक है? क्योंकि जब मीनांदर को नहीं समझ आया, जब मीनांदर को नहीं समझ नहीं आया, एक मिनट सही से कहां से समझ आया, एक मिनट आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो हर प्रश्न गणित का प्रश्न नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको थॉट्स के माध्यम से समझने का प्रयास, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। हम तुम्हें निर्माण नहीं समझ सकते, कारण कि जो सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है उसे मैं कैसे देखा सकता हूं। हम सोचो कि किसी ने भगवान का दर्शन किया होगा क्या है, तो कैसे सीना फाड़ को दिखा देगा कि भगवान मेरे अंदर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रियलाइजेशन का लेवल तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, उस लेवल तक क्या होता है। नागसेन ने कहा, ध्यान देना, नागसेन ने मीनांदर से कहा कि निर्वाण वो होता है जो वो होता है जो हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा होता है, आप तुम ही बताओ कि वो कैसा होता है। निर्माण का मतलब होता है जिसका ज्ञान सत्य है, बोधिसत्व वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर के इग्नोरेंस समाप्त हो जाते हैं, बोधिसत्व वो व्यक्ति होता है जो ट्रुथ को जान जाता है, बोधिसत्व वो होता है जिसको तृष्णा बांधती नहीं है, अटैच नहीं करती है, बोधिसत्व वो होता है जो काम करते हुए काम के फल से अपने आप को प्रसन्न रखता है, इस जीवन में वो काम नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, लेकिन उसके रिजल्ट उसके परिणाम उसे बांधने का प्रयास नहीं करते, इसी को निष्काम कर्म कहा जाता है, ध्यान रखना। और वही लोग जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद मुक्त हो जाते हैं, और समय समय पर आपके मुक्ति के लिए
in regard of the Maratha interest to support the Mughal Empire against the invasion of Nadir Shah. Nadir Shah ke akraman ke viruddh Mughal Badshah ko sahayata karne ke piche Marathon ki roji ke vishay mein nimnlikhit karanon mein se kaun sa sahi hai? Ye prashn hi galat hai. मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. इन 1739 ए पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह मेट ए फाइनल मिलिट्री एक्सपीडिशन इन इंडिया बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ आवर चीफ none of the Mughal emperors were in a position to ensure the preservation of the northwest region of India. कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं आया जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान और अंग्रेज के मृत्यु के बाद और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए नादिर शाह हिंदुस्तान को प्लंडरिंग करने के लिए लूटने के लिए 1739 में एक मिलिट्री एक्सपीडिशन किया. देन द मुगल एम्परर वाज मोहम्मद शाह रंगीला. उस समय मोहम्मद शाह रंगीला भारत का मुगल बादशाह. रंगीला होगा वो भारत की सुरक्षा क्या करेगा? राइट. और दूसरी बात द रिलेशन ऑफ मराठा पश्चिमोसी पर है. The relation of Maratha and Mughal Emperor. प्रश्न तो यही था कि क्या मराठों ने मुगल एम्परर को सहायता देने के लिए कहा था? नंबर वन क्वेश्चन. In 1665, पुरंदर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन जयसिंह ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब एंड सीमाजी. पुरंदर की संधि हुई 1665. राइट. वो संधि बाद में टूट गई क्योंकि दोनों ने अपने अपने टर्म्स के अनुसार काम. ठीक. इन 1689 औरंगजेब मेड ए मिलिट्री एक्सपीडिशन इन महाराष्ट्र एंड शाहू जी द सन and successor of Shivaji was taken as a prisoner. As a prisoner. Listen. As a prisoner. Sahuji ka pita Sambhaji ko Mughal adhikariyon ne qaid kar liya. Qaid kar li and he was put to death also. Unhe mrutdand bhi de diya. And his son Sahu was taken as a prisoner in the Mughal court. मुगल कोर्ट में शाहू को ध्यान दीजिए. 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु के बाद एज ए काइंड ऑफ डिप्लोमेसी शाहू वाज फ्रीड फ्रॉम द मुगल सब्जेक्शन टू क्रिएट सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट इन द सक्सेशन ऑफ मराठा. शाहू को छोड़ दिया गया और उस समय मराठों की राजवंश का बागडोर ताराबाई के हाथों में. The widow of Raja Ram. Dhyan dena. Puri history aise dars. Sahu ke samay mein his worthy Peshwa Bharat Vishwanath, the man who was behind the elevation of Sahu to the level of paramount power. Later on, this was done by the Bajira first. बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं के साथ एक संधि की. सैयद बंधुओं के साथ एक संधि की इन 1719 में. ध्यान रखना उस संधि के माध्यम से मराठों को मुगल एम्परर ने वायदा किया कि दक्कन के क्षेत्रों से आप चौथ और सर्वेश्वर की आप कलेक्शन कर सकते हैं. तो इसके पहले किसी कभी भी मुगल एम्परर ने स्वीकार नहीं किया था. चौथ भी ले सकते हैं और सारे सूत्र भी ले सकते हैं. वो टैक्स था.
of 1500 soldiers to give protection to Mughal Emperor. Right? Mughal Emperor ko sahayata karne ke liye 15000 ki fauj rakhna tha. Kisko? Peshwa. Zara dhyan rakhna. Lekin uske baad koi aisi shakti nahi hoti hai jiske madhyam se Maratha gave any assurance to the Mughal Emperor to provide military protection against any hostile forces against the Mughal Emperor. And that is why when Nadir Shah came to emerge in 1739, Maratha were not concerned with any noble promises made with the Mughal Emperor to provide military cooperation for the protection of Mughal Empire. And therefore, in this question, right, third option is wrong. Third option is wrong. Because two options can happen. Bhai, aap dekho, ki pani patte yudh mein, listen me, in 1526, Ibrahim Lodi was being defeated by Babari. It was said by some historian that Rana Sanda, he must have also invited Babar to anger to punish the Lodi rulers. It is accepted by some historians. But when Babar made up his mind to stay in India and to create a space for his own empire, then the Battle of Khanwa came to do option ho sakte thi kisi vyakti ka, kyunki us samay Hindustan mein Mughal samraj se ek lawaris ban gayi thi, lawaris jagir ban gayi thi jiska koi waris, aur us samay Hindustan ke military forces mein Maratha sabse shaktishali force the who were supposed to what? Replace this Mughal empire. And that's why a competition started to history that of Nanda Maratha. But we will see that in Bhartiya Shaktiyon mein keval Maratha hi aisi shakti thi jo angrezo ke samne khada ho sakti. Ab koi dusra shakti nahi tha. To do options nahi ho sakte hain, lekin tisra to bilkul hi galat hai. Next. 36. Just write down also. Number one, the Treaty of Assam. The Treaty of Assam. ये क्या है? ये Treaty of Assam basically क्या है? कि अगस्त 1803 में ये क्या करते हैं? ये संधि हुई थी. किसके किसके बीच? जरा ध्यान दीजिएगा. अंग्रेजों और मराठों के बीच इस संधि की पृष्ठभूमि क्या है इसको समझ लिया जाए. जब दिसंबर 1802 में a subsidiary alliance in the form of Basin Treaty, Basin Treaty Sandhi. जब पेशवा बाजीराव सेकंड ने किया किसके साथ? लॉर्ड ब्रेस्टी के साथ, देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो सिंस इट वॉज ए सब्सिडरी अलायंस, ये सब्सिडरी अलायंस था, सहाय संधि थी, एंड देयरफॉर द अदर मराठा लीडर्स did not give recognition to this treaty because it was a kind of humiliation to their dignity. ये अपने आप में एक तिरस्कारपूर्ण जो है संधि थी जिसमें मराठा पेशवा ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कंपनी के हाथों में सौंप दिया था. And then war started. Between the company and the Maratha leaders. उसी में एक लड़ाई थी असहाय की लड़ाई. उसी में एक लड़ाई थी असहाय की लड़ाई जिसमें अलायंस ऑफ सिंधिया और भोसले, सिंधिया और भोसले दोनों के संयुक्त सेना को उसने परास्त किया.
और परास्त करने के बाद इस संधि के लिए बाध्य किया अगस्त 1803। क्लियर ना? जरा ध्यान रखना, एक वेस्टर्न हिस्टोरियन क्या बोलता है, उसका नाम है ग्रांट डफ। ये क्या बोलता है इस असाई लड़ाई पर, कहता है a splendid prince more than anyone in the whole history of Delhi. दक्षिण के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण वॉर, इतना महत्वपूर्ण ट्रिप हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि सिंधिया होकर उस समय का सबसे एक मेजर पावर थे महाराष्ट्र को बचाने के लिए, एंड बोथ ऑफ देयर वेयर जॉइंटली डिफीटेड बाय ब्रिटिश कंपनी। ध्यान। दूसरा है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि यह मार्च 1846 को हुई थी, मार्च 1846। यह संधि कैसी थी भाई, आप देखोगे इन 1845 एंड 46 द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर केम पे मच। इन दिस फर्स्ट वॉर द सिख वेयर डिफीटेड बाय द British company, and they were forced by the British company to enter into a treaty with them, and this treaty was Lahore. This was another subsidiary alliance. AB Sahib, तो आप dates check करते जाइएगा, आप मिला लीजिएगा। तीसरी तो है राजघाट की संधि। ये राजघाट की संधि क्या है? वही जब December 1802 में पेशवा बाजीराव सेकंड ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि करने की कोशिश की, तो सारे मराठों ने सिंधिया होकर भोसले सबने कहा कि संधि को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता गिरवी नहीं रख सकते, वेलेस्ली को राय करना होगा कैसे गिरवी रख देंगे हम, आप मेरा पेशवा नहीं बोलते प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब तो ये नहीं कि मेरी लिबर्टी को गिरवी रखते। एंड दे वर साइलेंट। आज इसका रिजल्ट हुआ, उस वॉर का रिजल्ट हुआ, नोट कर लीजिएगा, उस वॉर का रिजल्ट हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805। जरा ध्यान रखना, इसका रिजल्ट हुआ कि पहला संधि हुआ देवगांव विथ भोसले, कीप ऑन राइटिंग अस भोसले, दिसंबर 1803। दूसरा संधि हुआ सूरजी अर्जन गांव विथ सिंधिया अगेन December 1803। अब तीसरा संधि हुआ राजघाट, और तीसरा संधि हुआ राजघाट इन 1806 विथ होलकर। अब एक मिनट का पॉज करिए, देवगांव एंड सूफी अर्जनगांव बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, बट दिस वॉज नॉट द सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस नहीं था, सब्सिडरी अलायंस कैसे जरा समझ लिया जाए, जब भोसले और सिंधिया अंग्रेजों से लड़ रहे थे, देन इवन इन दिस क्रिटिकल मोमेंट होल्डर आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस वॉर, ही रिमेन ए मेक स्पेक्टेटर ऑफ होल अफेयर, ही वाज अवेटिंग फॉर हिज ओन डेथ, एंड व्हेन वेलेस्ली डिफीटेड बोथ ऑफ देम and compelled them to accept the humiliating treaty of their government, Surya and Arjuna, then he started towards Holkar. In the meantime, he was called back by the British. British Sarkar ne se wapas bula li, aur bhej diya George Barlow. Kise bhej diya? George Barlow. जॉर्ज बार्लो
He replaced Velasquez as a governor general. Aishwarya Rai Chandra, he is a Radhaki. है ना, क्योंकि ये बिना किसी निर्णायक युद्ध का हुआ था, इसलिए ये सहायक संधि, क्योंकि युद्ध का निर्णय कहां से तो चला गया ना, रह गया होता तो राजघाट की संधि तो होती, बट देन इट वॉज इट मस्ट हैव बीन सब्सिडियरी अलायंस, तब ये सब्सिडियरी अलायंस बन जाता है। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट बना लेंगे ना। हाँ, एक लास्ट पॉइंट बचा है, ये हैदराबाद के निजाम के साथ की गई संधि इन 1798, ध्यान रखिएगा, इन 1798 द ट्रीटी विद द हैदराबाद, ये सबसे पहला सहायक संधि है, ध्यान दीजिएगा। निजाम वाज द फर्स्ट नेटिव रूलर ऑफ इंडिया हु एक्सेप्टेड दिस यूनिटेड ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इन 1798 1798 पहली किया गया उसी के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अजंता। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें सम्मान है, इक्वल है, बराबर है, इसका कंसेप्ट बता देते हैं, बस समझो। अजंता मीन्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, राइट, एंड महाबलीपुरम इट इज ऑल्सो इन वन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, ध्यान रखना, इट्स तमिलनाडु महाबलीपुरम। ये दोनों दोनों में शिलाकृत स्मारक है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, दोनों का एक ही धर्म संप्रदाय से संबंध है, इसका उत्तर केवल एक है, इसलिए एक है क्योंकि मैं बताता हूं। अजंता की गुफा जो बनी है उसका पूरा टाइम पीरियड जो है वह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 7 AD तक है, 2nd BC to 7th AD अंतर आ गया। और इसका जो काल है क्या कहते हैं, हाँ, इसका करीब 6th और 7th century है, 6th and 7th century AD है, कौन महाबलीपुरम, क्योंकि इसका विकास पल्लवों के समय में होता है, पल्लव शासक और शौर्य राजा। दूसरी बात, समय अंतर आ गया, अजंता का जो गुफा है उसका चित्र की जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो तो बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी उसके अंदर दर्शाए गए हैं, बट महाबलीपुरम का जो विषय है वो ब्राह्मण धर्म है, अधिक से अधिक यहां पर शिव का मंदिर बनाया गया है, शिव का मंदिर बनाए गए। अब चूंकि मेरे पास समय उतना नहीं है जिससे कि हम आपको ज्यादा बताऊं, नहीं तो जो महाबलीपुरम जो है वो बेसिकली वहां पर द्रविड़ शैली का सबसे प्राइम स्टेज दिखता है, क्योंकि ये सबसे पहले महेंद्रवर्मन शैली है, महेंद्रवर्मन शैली द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड व्हाट गिविंग प्रोटेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद आ गया नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है ना, उसी को मामल भी कहते हैं, उसने महाबलीपुरम शहर का स्थापना किया था, किसने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उसने दो तरह की चीज बनाई, एक मंडप बनाई, मंडप का मतलब होता है एक पिलर हॉल, स्तंभ युक्त एक कमरा या क्या कहते हैं हॉल, और रथ, रथ जो होता था वो मोनोलिथिक होता था, एक ही पहाड़ को काट करके बनाया जाता था, इसलिए आश्रम मंदिर हम कहते हैं। उनके बाद राजसी शैली आई, राजसी के बाद नंदी वर्धन शैली आई, ये सारा के सारा इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट पल्लव आर्किटेक्चर इन टर्म्स ऑफ ड्रेडिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो क्योंकि समय के कम में जिन चीजों को हम एक्सप्लेन ज्यादा कर लेंगे, तो पॉइंट क्लियर हुआ ना, इसमें उत्तर जो है केवल पहला ही सही होगा, क्योंकि समय में भी अंतर है और दोनों का सब्जेक्ट मैटर में भी। अगला प्रश्न है कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, ठीक है ना, ये कलमकारी का मतलब होता है कि इसमें एक बांस के बंबू पॉइंटेड बैम्बू स्टिक लाइक पेन उसके माध्यम से कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है, ध्यान रखना, और उस चित्रकारी में ऑर्गेनिक डाई का प्रयोग किया जाता है,
प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था और ज्यादातर जो है हिंदू माइथोलॉजी से सब्जेक्ट मैटर को लिया जाता था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और क्या कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, लेते हैं हम 42 क्वेश्चन नंबर 42 जो तो मेन कंसेप्ट है वही मैं फोकस करना चाहता हूं। कहता है कि भारत में लघु चित्रकला की शुरुआती उदाहरण एलिमेंट एंड ब्रश सेंचुरी। भारत में दो तरह का पेंटिंग का विकास हुआ, एक वो कहते हैं म्यूरल पेंटिंग और एक कहते हैं मिनियचर पेंटिंग। म्यूरल है मिनियचर, जो म्यूरल होता है वो सुखी दीवार पर बनाया जाता है, सुखी दीवार पर बनाया जाता है, और जो मिनियचर जो होता है वो कपड़ों पर या पेपर पर बनाया जाता है। जो मिनियचर पेंटिंग का ज्यादा विकास मुगल काल में देखने को मिलता है और जो भित्ति चित्र है जिसे म्यूरल पेंटिंग कहते हैं वो भारत में कई गुफाओं में आपको देखने को मिल जाए, जिससे उससे संबंधित अगला प्रश्न भी है और प्रश्न गलत भी है, वो गलत भी प्रश्न है। तो आयुष में बताऊ म्यूरल पेंटिंग का सबसे पहला आप देखोगे भीमबेटका है ना, उसके बाद देखने जाओगे तो उसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल अजंता, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, एलिफेंटा हो गया, मेरी बात बदामी हो गया, बहुत सारा हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जहां पे हमने म्यूरल पेंटिंग को बनाया है, याद है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, याद है। लेकिन जो प्रश्न ये कह रहा है उस प्रश्न में ये हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित भी है और ये क्या करते हैं जैन धर्म से भी संबंधित है। प्रश्न तो यही कह रहा है ना कि भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं सदी के दौरान पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में पाल राजाओं द्वारा तैयार किए गए। जो पाल शासक जो थे दे बिलोंग्स टू व्हाट बिहार बंगाल, दे रूल्ड फ्रॉम 8th सेंचुरी एडी टू 12th सेंचुरी एडी। और इन शासकों में देखोगे कि एक नाम है धर्मपाल, द मैन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ विक्रमशिला मशीन्स, विक्रमशिला मशीन्स है धर्मपाल और देवपाल। इन दोनों ने कला को भी संरक्षण दिया क्योंकि इनके पास आप देखोगे दो उस समय के सबसे बड़े चित्रकार भी थे, स्थापत्यकार भी थे, उनमें से एक का नाम है धीमन और दूसरे का नाम है वीरपाल। नोट कर लीजिए ये पाल शासक धर्मपाल और देवपाल, पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के क्या कहते हैं दरबार से जुड़े थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, छोटा मोटा नाम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं बिकॉज पाल ट्रेडिशन वॉज नॉट कंफाइंड टू ओनली बिहार एंड बंगाल बट इट ऑल्सो लेड टू क्रिएट ए डीप इंफ्लुएंस ऑन द आर्ट, ऑन द आर्ट इन श्रीलंका एंड मोस्ट ऑफ द नेशन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में पाल कला का विस्तार हुआ, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वहां भी है, इसलिए खास महत्व का है। इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ इट्स आर्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, राइट। नेक्स्ट ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और क्या कहते हैं ये प्रश्न जो है उत्तर में, इसमें क्या उत्तर दिया गया बताइए, तो मैं आपको अलग से बताऊं। 43 नंदनदीप दिया ना, ये सही है, इसका मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं। कट मालिश ध्यान दीजिएगा, कभी भी कट मालिश सवाल आएगा तो इतनी चीजों को ध्यान से रखना। कर्नवालिस वॉज गिवन क्रेडिट टू ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ कंपनी इनटू ए स्टेट, उसके पहले वो केवल कंपनी था, इट वॉज मेरली ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इट बिकेम ए स्टेट, वो राज्य बन गई और उसका क्रेडिट कर्नवालिस को जाता है बिकॉज द क्रिएटर ऑफ IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज कॉल्ड ICS IPS राइट, मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर बेस्ड ऑन द मंटेस्क्यू फिलोसॉफी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच फिलोसॉफर मंटेस्क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर किया ना, जस्टिस को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया, कलेक्टर का पद अलग बना दिया, डिस्ट्रिक्ट जज का पद बना दिया,
यहां ध्यान रखने की बात यह है जो प्रश्न कंडेस्ट है कि द ब्रिटिश एम्पायर वॉज कमिटेड टू वॉट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर नॉट टू प्रोवाइड फेयर जस्टिस टू द इंडियन पीपल. हमें न्याय नहीं देना था. द मिशन वॉज वॉट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन फिजिकल रिसोर्सेस कुड बी बेटर could be better realized. Unka udeshya nahi tha. And that is why Kadwan is introduced a gradation of hierarchy, a gradation of judicial system in India. A gradation to have usne banaya. Sabse niche munsif court. Munsif keval 50 rupaye ka jo case hoga, jiski value hogi, usko karega. Headed by Indian official, munsif court se thoda aur upar jao. To registrar court aake, registrar court. उससे थोड़ा ऊपर चलेगा तो रजिस्ट्रार के बाद डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के बाद सदर दीवानी अदालत हेडेड बाय गवर्नर जनरल हिज काउंसिल. अब उससे ऊपर जाओगे तो किंग काउंसिल नॉट इन इंडिया बट इन लंदन. लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है, ध्यान देने की बात यह है कि सच कंड ऑफ हायरार्की इन द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉर्नवालिस in the domain of criminal justice. Criminal justice में वहाँ नीचे तक नहीं गया. Criminal justice का domain jurisdictions में होता था सीधे district judge. क्यों? वहाँ में दरोगा होना चाहिए था ना? Because their mission was not to what? Provide fair justice. Their mission was to get the revenue from the grassroots level. And therefore, the gradation was essential to be implanted in the जहां से हमें लेना है वहां तक हमें पूछना होगा ना. यहां क्रिमिनल जस्टिस के बारे में मुझे क्या, हमें तो फेयर जस्टिस करना नहीं, हमें तो केवल व्यवस्था बना करके रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा प्रश्न देते हैं, क्या करते हैं 49 आप लोगों को शब्द मिला होगा ना, शब्द मिला होगा तो ये फैक्चुअल डेफिनेशन का काम नहीं किया. थोड़ी देर में लोग कंसेप्ट को वहां बताते हैं. 49 क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. इट इज रॉन्ग. इट वाज वॉरेन हेस्टिंग. इट वाज वॉरेन हेस्टिंग बिकॉज व्हेन द एक्ट ऑफ 1773 वाज इंट्रोड्यूस्ड दे the post of governor general along with the council was made a provision and the man became Warren Hastings, right? And again in 1833 when another act was being introduced by the British Parliament, then Lord William Bentinck was made the governor general of India, right? Next. Next is